जी सत श्री अकाल जी सारे नो। ते आज दे व्लॉग विच आपां स्प्लेंडर की वॉशिंग करूंगे। देख सकते स्प्लेंडर अपना काफ़ी टाइम तो खड़ा सी, दो तीन महीने हो गए, ये गंदा बहुत ज़्यादा वा। जिदा बुलेट लिता आप स्पलेंडर बहुत घट चला रहे हैं। तो बाकी यदि मेन गल ये भी है कि इन वॉशिंग ता नहीं करते, जो अपना ये होंगे प्लग होंगे ये पानी पैंता, फिर स्टार्ट करने बहुत दिक्कत होती बाहर, इसलिए नहीं धोते हैं। तो फिर घर धोने का टाइम नहीं लगता, इसलिए हूँ मैं टाइम कट के खुद ही धोन लग्या। बाकी तुम कंडीशन देख सकते हो कि कंडीशन बहुत हले बहुत गंदी हो रखी है स्पलेंडर की। बाकी इदा कि यार बहुत प्यारा मोटरसाइकिल है, 10 साल हो गए इनू, कह नहीं सकता कोई 10 साल पुराना होगा। तो बाकी टायर देख सकते अच्छे से, टायर काफ़ी मोटा पाया हुआ। तो अज अपने पोंछ उतरवाती है ये वाली, क्योंकि ये लगती सी टायर न, तो फिर बहुत आवाज़ करती सी, ये लगती सी ता करके उतरवाती है। बाकी हूँ आप वॉशिंग करूँगे, वॉशिंग करन तो बाद चंगी तरह फिर आप एन पोलिश पुलिश मार के फिर थोड़ा इसकी कंडीशन दिखाऊंगे, भी फिर दस्यो भी किमें लगता है। तो अगर तुम कोई होर स्पलेंडर की मॉडिफिकेशन की वीडियो देखनी चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ भी तो थोड़ा दस सकता भी कि थोड़ा दिखाता हूँ वॉश करन तो बाद किमें लोगों की दस्यो, फिर कोई मॉडिफिकेशन करानी हो। बाकी बुलेट तो अपने धोके खड़ाता सी मीह के मौसम की, ता करके बुलेट हूँ नहीं चक रहे। अज स्पलेंडर की वारी है, बने रहो वीडियो च। हाँ जी, तो वॉशिंग हो गई, हूँ देखो तुम बाइक की कंडीशन। काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया वॉश कर, काफ़ी गंदा होया वा सी, मैं थोड़ा वीडियो दिखाई थी। हूँ देखो बाइक की कंडीशन बिल्कुल हले भी मतलब इन्ना ज़्यादा साफ नहीं होया, क्योंकि ये ज़्यादातर ना ये ऑयल वगैरह का ही है, ये इदा साफ नहीं होना है, पता प्रेशर ना साफ होगा या फिर मैं ना इतने डीजल मारना पेगा फिर जाके साफ होगा। तो बाकी लोए व्हील तो टायर पर भी मैं पॉलिश मारती, तो टैंक पर भी पॉलिश मारती, सारी पॉलिश करता मैं ए टू जेड। बाकी धोने भी बहुत टाइम लगे। हूँ देखो स्पलेंडर के लुक, कह सकता कोई हूँ 10 साल पुराना स्पलेंडर है, तो कोई ये तो मोडिफिकेशन ज़्यादा नहीं हुई भी, ज़्यादा मोडिफिकेशन कोई नहीं है, ये मोटा टायर पाया हुआ सी, तो यह शॉकर उच्चा चक्कन लिए कराया हुआ, यह कुछ लोग नीचे कराते वधिया ना, बट उस टाइम मैं पता नहीं ता करके मैं ये लगवाते सी। उस टाइम ये मेरे ख्याल से 250 के लगे सी। तो लुक देखो तुम बाइक की, पहले लगता हूँ लैता एन यैंक, मान लो अगर मैं वो पूछ उतरवा के कली नंबर प्लेट लगवाता, मतलब लंडा कराता, तो डंडा भी धराता, तो हैंडल पौदा 3350 क्या सिरा लुक आगे, तो मैं होर उच्चा भी चकवा सकता, नीचे गुलियां पवा के होर उच्चा चकवा सकता इनू, क्योंकि टायर तो है ही बहुत मोटा। टायर देखो सी टायर वो भी कहते कहते यार इन्ना बड़ा टायर तो कोई नहीं पाँदा स्पलेंडर से, मतलब पाते बहुत है, बट इदा कि इन्हें पाना औखा, ट्यूबलैस टायर है। तो बाकी हूँ यही सी वीडियो तो स्पलेंडर की लुक दिखाई सी, मतलब लुक देखो सी प्यार हों स्पलेंडर नाल, बुलेट तो चलो अपना है ही है प्यार है बुलेट नाल, बट यार स्पलेंडर का इमोशन ही अलग है, स्पलेंडर नाल प्यार ही अलग है। बाकी वीडियो वधिया लगी तो लाइक कर दियो, तो कुछ होर वीडियो चाहिए हुई कमेंट करके दस दिया करो। थैंक यू सो मच।